इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस बीमारी से लड़ रही है और पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा देश भारत और शहर उल्हासनगर भी इस महामारी से लड़ रहा है और हम हैं इस वक्त लॉकडाउन के बीच। हम पहुंचे उल्हासनगर महानगर पालिका के स्थायी समिति सभापति राजेश वधिरा जी के पास, जिनके पास पहुंचकर हमने जाना कि महानगर पालिका द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ कौन कौन सी सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स और कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये खबर। जी बदरिया सर, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से हमारे शहर में जो कि कोविड-19 की यदि बात करें तो अब तक कोई संक्रमण का मामला सामने नहीं आया, तो किस प्रकार से तैयारियां कर रही है और खास करके अगर बात करें संक्रमण का मामला नहीं है स्पष्ट अगर हम करना चाहें तो टेस्टिंग किस तरीके से करें ताकि नागरिक अस्वस्थ हो सके कि वाकई में शहर में कहीं ना कहीं इस मामले से जो है हम जो है दूर हैं। देखिए, आज अगर उल्हासनगर में अब तक एक भी पेशेंट कोरोना वायरस का नहीं है तो उसका क्रेडिट मैं आयुक्त को और उसकी टीम को देना चाहूँगा, जिन्होंने समय से पहले ही सब तैयारी चालू कर दी। आप लोगों को याद होगा कि व्यापारी लीडरों को बुलाकर उन्होंने बात की थी और 3 दिन का बंद पहले उल्हासनगर से ही चालू हुआ था। आज उस बंद का इफ़ेक्ट ये है कि हमारे उल्हासनगर में एक भी कोविड-19 का पेशेंट नहीं है। हमने और भी काफ़ी इसमें तैयारियां की हैं, जैसे राजनौली जंक्शन पे टाटा आमंत्रा का जो प्रोजेक्ट है जिसमें MMRDA ने हमें कुछ 1 BHK के फ्लैट दिए हैं, 1 RK के, जिसमें 490 वन रूम किचन के फ्लैट्स हमने क्वारंटाइन बेड उनके सब सामग्री किचन वगैरह सब बना के रेडी रखे हैं। दूसरा, स्वाई टेहूराम धर्मशाला में हमने 20 जो हैं क्वारंटाइन बेड्स बना के रखे हैं। साथ में हमने क्वारंटाइन टेस्ट के लिए जो PPE किट है वो PPE किट हर रोज़ डॉक्टर को बदलनी होती है तो वो उतनी किट्स अवेलेबल नहीं है, उन किट्स को बचाने के लिए और डॉक्टर को भी या नर्सेस को ये बीमारी ना हो उसके लिए हमने पहले 2 कियोक्स बनाए। एक कियोक हमने रखा है सेंट्रल हॉस्पिटल पर और एक रखा है टेहूराम धर्मशाला पर, जिसमें हाथ न लगाते हुए वहाँ से सैंपल इकट्ठा किया जाता है जो बाद में कोविड के लिए टेस्टिंग के लिए काम आता है। दूसरा, हमने 4 फीवर क्लिनिक बनाए हैं, एक नागरी आरोग्य केंद्र साधुबिला स्कूल उल्हासनगर 1, दूसरा नेहरू चौक पे उल्हासनगर 2, तीसरा महानगर पालिका के पीछे मोटा देवी माता मंदिर के पास में उल्हासनगर 3 और VTC ग्राउंड पे उल्हासनगर 4। ये 4 हमने जिसी भी हमारे रहवासी को अगर कोई भी फीवर कफ कोल्ड है तो प्रिलिमिनरी जांच के लिए वहां जा सकते हैं, वहां पर हमने बंदोबस्त किए हैं। और कोविड-19 की स्पेशल एक हॉस्पिटल हमने रेडी की है उल्हासनगर 4 में, जो गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहां पर हमने 15 बेड का ICU और 50 बेड की हॉस्पिटल रेडी है, जहां पर 5 जो हैं वो वेंटिलेटर हमने रेडी करके रखे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इसकी जो हमने पूरी तैयारी की है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज तक एक भी पेशेंट उल्हासनगर में रहने वाला हमारे पास नहीं है। मैं लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी हालत में आपको अगर कहीं तकलीफ़ होती है तो महानगर पालिका के नंबर्स जो हैं 2720143 और दूसरा नंबर है 2720149, इस पर सूचना दें। अगर आपको कोई भी संशयपद चीज़ मिलती है, दिखती है, किसी को प्रॉब्लम है या कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आया है तो वो सूचना आप इसी 2 नंबरों पे दे सकते हैं और उल्हासनगर महानगर पालिका प्रशासन से सहकार कर सकते हैं। हमारे शहर में कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ध्यान देना छोड़ दें, हम बाहर निकलना चालू कर दें।
सुबह को 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक दूध, सब्जी, किराना, फ्रूट की दुकान चालू हैं। आपके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस समय पे लें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सब्जी मंडी में ज़्यादा भीड़ ना करें। दूसरी बात, हमने जो ये 2-3 दिनों में देखी है कि बाहर से, मुंबई से या और कहीं थाना से आपके रिश्तेदार मिलने को आ रहे हैं, तो उन्हें रोकिए, उन्हें मना कीजिए कि आपको वो मिलने ना आए। उल्लासनगर में आज पेशेंट नहीं है, लेकिन ये जो कोरोना फैलती है वो अभी जैसे मुंबई में, थाना में काफ़ी पेशेंट्स हैं, अगर वो आपसे मिलने को आते हैं और अगर उनको ये कोरोना होगा तो वो आप में भी आ सकता है। इसके लिए मैं सबसे विनंती करूंगा कि अपने किसी भी रिश्तेदार को उल्लासनगर में ना बुलाएं और उनसे ना मिलें। दूसरी बात, मैं आपको कहूंगा कि आप घर पर रहें, अपने आप को मेंटेन करें, स्वस्थ रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। हमने काफ़ी समय क्वारंटाइन में अपने आप को एक अलग थलग रख के बिताया है, जिसके वजह से आज उल्लासनगर इस परिस्थिति में है। आप आजू बाजू में देखेंगे, कल्याण डोंबेली हो, भिवंडी हो, भाईंदर हो, थाना हो, मुंबई हो, हर जगह पे पेशेंट्स हैं, उल्लासनगर में नहीं है। तो ये मेंटेन करने की जवाबदारी हमारी है, हमारा काम है ये सब मेंटेन करना। और आप बाहर न निकलें, और बहुत ज़रूरी काम जब तक नहीं है बिल्कुल बाहर न निकलें। धन्यवाद। लॉकडाउन के इस पीरियड में हम इसी तरीके से आपके सामने इंस्टेंट अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे आपसे क्लासिक 24 इंस्टेंट अपडेट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।